दोस्तों, क्या आप जानते हो जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने एक बड़ी खास टेक्निक का इस्तेमाल किया था अपने देशवासियों को ब्रेन वॉश करने के लिए। इस टेक्निक का नाम है बिग लाय, यानी कि एक बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि सुनने वाले को वहां पर लगे कि यार इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है, इस बात में कुछ तो सच्चाई होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांटना चाहती है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। कि इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है कि सुनने वाले को लगेगा कि यार ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेंगे, कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। लेकिन नहीं, ये बात पूरी तरीके से झूठ है और ये एक तकनीक है आपको ब्रेन वॉश करने की। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उनकी वेबसाइट पर पब्लिकली मौजूद है, आप खुद भी जाकर पढ़ सकते हो। इसमें हिंदू और मुसलमान शब्दों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया हुआ। इस पूरी पीडीएफ फाइल पर आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द को भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो उल्टा बात करी गई है अमीर गरीब के बीच फासले को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर। पेज नंबर 29 पर लिखा है कांग्रेस का आर्थिक विकास मॉडल बेरोजगारी और महंगाई की चुनौतियों को ध्यान में रखकर होगा। पेज नंबर 31 पर लिखा है मिडिल क्लास लोगों पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। पेज नंबर 30 पर लिखा है 30 लाख से ज्यादा जॉब वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। और पेज नंबर 28 पर लिखा है कि छोटे बिजनेसेस की मदद करी जाएगी, देश की सारी संपत्ति अरबपतियों के हाथों में नहीं बेची जाएगी।